लखनऊ के प्रियम प्लाजा रुचिखंड के समीप एक मंदिर स्थापित था, वह था दक्षिणमुखी बालाजी मंदिर। और इस मंदिर में स्थापित थे श्री रामचंद्र भगवान के परम भक्त श्री हनुमान जी की मूर्ति स्थापित थी। और यह मंदिर बहुत पुराना माना जाता है। यहाँ के पुजारी है रमेश कुमार मिश्रा। लेकिन इस मंदिर के साथ जो हतायत हुई, जो दुस्साहस हुआ, उसे आप जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको भी लगेगा कि अब राम के भक्त हनुमान भी सुरक्षित नहीं, और राम तो अयोध्या में जिस तरह से स्थापित है वो आप सभी से छुपा नहीं। लखनऊ के रुचिखंड में स्थित यह मंदिर, जिसे बीते दिनों घने कोहरे की आड़ में और उस धुंध की आड़ में तोड़ा गया। आरोप लगा है एक व्यक्ति पर, सीएल वर्मा पर, और 3 अभियुक्तों पर भी एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन मामला यहीं तक नहीं थमता है। बात तो ये उठती है ना कि मंदिर को आखिर क्यों तोड़ा जाता है बार बार। इस मंदिर को लगभग ये तीसरी या चौथी बार तोड़ा गया है, और बताया जाता है कि इस मंदिर के पीछे जो स्थित प्लाट है उसमें सीएल वर्मा अपना कब्जा बताते हैं। वैसे कब्जा है भी उनका, लेकिन जो सामने मंदिर है उस मंदिर से उनको ऐतराज क्या है? क्यों आखिर इस मंदिर से इतनी किरकिरी करते हैं और मंदिर को तोड़ने पर उतारू हो जाते हैं? जिस तरीके से इस मंदिर को तोड़ा गया आप देख सकते हैं। मंदिर की मूर्ति को बकायदा उखाड़ा गया, चबूतरे को तोड़ा गया और स्थित पेड़ को काटा गया। यानी साफ जाहिर है कि मंदिर पर इनकी आस्था तो नजर नहीं आ रही, लेकिन मंदिर पर इनका प्रहार साफ नजर आ रहा है। यानी कि साफ बात तो यह है कि सीएल वर्मा को भगवान पर आस्था कम है, सीएल वर्मा को आस्था भगवान पर कम है और प्लाट पर ज्यादा। तभी तो कमर्शलाइज सिस्टम के तहत, यानी कि व्यापारिक दृष्टिकोण से देखते हुए, इन्होंने इस मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया। वैसे आरोप है, ये एफआईआर दर्ज हो चुकी है, विवेचना जारी है कि कौन मुख्य आरोपी है, वह बात सामने आएगा समय आने पर। लेकिन अब स्पष्ट इतना है कि इस मंदिर को तोड़ा गया, और इस मंदिर के तोड़ने पर आक्रोश उत्पन्न हुआ, जनाक्रोश, वो आप देख ही रहे। पूरी तरह यहाँ पर स्थापित हो गए हिंदूवादी लोग, यानी जितने लोग आस्था का केंद्र हैं लगभग रुचिखंड के आसपास जमावड़ा उनका लगने लगा, और श्री राम के भक्त के रूप में लोग यहाँ पर उपस्थित होने लगे। उन लोगों ने जब नारे लगाए तो प्रशासन के भी हाथ पांव फूलने लगे, और प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तुरंत तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए आश्वासन दिया कि जल्द ही इस मूर्ति को पुनः स्थापित कर दिया जाएगा और मंदिर का निर्माण करा दिया जाएगा। साथ ही साथ इस मंदिर में आप सीसीटीवी फुटेज यानी सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया जाएगा। इस सब आश्वासन के बाद में स्थानीय लोग जब इस उग्र जनाक्रोश को धरने पर बैठे थे, इन सब आश्वासन के साथ में अपने धरने को समाप्त किया। लेकिन देखिए हमारी ये रिपोर्ट कि स्थानीय लोगों ने कैसे अपना जनाक्रोश उत्पन्न किया और क्या थी उनकी मांगे और क्या था उनका आरोप, देखिए। उपस्थित है प्लाजा के पास रुचिखंड में, और आपको बता दें कि यहाँ पर आज सुबह सुबह प्रातः करीब करीब ये समय 12 के बाद था और कोहरे का समय था, तो कहीं ना कहीं उस कोहरे की ठंड में और उस धुंध में मंदिर तोड़ा गया हनुमान जी का, उस पर यह जनाक्रोश उत्पन्न है। यहाँ लोग बैठे हैं अपनी मांग को लेकर कि आखिर ये मंदिर क्यों तोड़ा गया, और इस तरह से अगर मंदिर टूटेंगे तो कहीं ना कहीं भावनाओं पर आहत होगा और भावनाओं पर और आस्था पर प्रहार होगा, तो निश्चित रूप से आंदोलन तो होना। अशोक शर्मा जी के साथ हम लोग। अच्छा, क्या कारण था और कैसे आपको मालूम पड़ा? कब सुबह जब हम लोग पूजा करने आए, क्योंकि हम लोगों का मंदिर बहुत पुराना है, 20-30 साल पुराना है। हाँ, यहाँ पे हर बार जागरण होता है, भंडारा होता है। कल देखियो बैनर लगा बाहर, आप देख लीजिए, फोटो खींच लीजिए। कल हम लोग भंडारा कराने वाले थे, नए साल में कीर्तन और भंडारा का प्रोग्राम था। हमारा भाई है संजय तिवारी, हम लोगों ने कहा कि भाई चलो कल साफ सफाई क्या, जो देखा पेड़ कटा हुआ था, मंदिर कटा हुआ था, हम लोग हो गए। पिछली 3 बार ये घटना हो चुकी, एक बार ये मंदिर गायब हो गया। यहाँ
तब उनका नाम भी याद है, बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने कहा बेटा मंदिर तो अपराधियों ने हटाया, इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं। उन्होंने स्वयं खड़े होकर मंदिर की मूर्ति मंगा के स्थापना कराई और आश्वासन दिया कि नहीं टूटेगा। अभी पिछले 3-4 महीना पहले इसको फिर तोड़ दिया गया, अनिल कुमार SCM वगैरह सब आके तोड़ने लगे। फिर हम लोगों ने पिछले 5-6 घंटा यहाँ बवाल चला। CEO आए, कप्तान आए और श्रीवास्तव जी SCM है वो आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि अब तुम्हारा मंदिर यहाँ नहीं हटेगा, नहीं टूटेगा। किस पर है, क्या लगता है? CL वर्मा है, नसीबुद्दीन सिद्दीकी के प्यारे हुआ करते थे, उनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। आज अरब खरब पति आदमी है भैया, उसकी जांच करवाइए प्रॉपर्टी। CL वर्मा पर आपका आरोप है कि उनके लोगों ने तोड़ा है सर? वो 120 के मुलजिम है, उन्हीं के आधार पे तोड़ा गया भाई। सबूत है, FIR हमने कराई, वही आके मना किया था। सुनिए, पहले प्लांट पे जब वो आए उन्होंने ही पहले कहा मंदिर हटाओ यहाँ से, ये हमारा प्लांट है। तो मैंने हम लोगों ने विरोध किया, ये प्लांट आपका है, फुटपाथ आपकी नहीं है ना, ये सरकार की जमीन है, सरकार का मंदिर है और ये हम लोग की आस्थाओं का मंदिर है, इसको आप कैसे हटा सकते हो? इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि CL वर्मा का काम है। ये कम से कम 6,000 महिलाएं, अगर हो सका तो मैं 6,000 महिला लेके जाम करूंगी, शासन पर शासन ही लाऊंगी, योगी जी से मांग करूंगी, मुझे मंदिर वही चाहिए जहां मेरा आस्था है। अगर मेरा आस्था हटा दिया जाएगा, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, हमको अनुशासन से मेरा पेट नहीं भरेगा, नहीं तो हम मंदिर के लिए त्याग भी कर सकते हैं अपनी जिंदगी को। यहाँ पर जन आक्रोश आप देख रहे हैं निश्चित रूप से, और ये कहावत कही गई है कि अगर आस्था पर प्रहार होगा, अगर आस्था पर प्रहार होगा तो निश्चित रूप से हिंदुत्व का कहीं ना कहीं रक्तचाप है वो ऊर्जावान हो जाएगा। ये ऊर्जावान तरीका, ये ऊर्जावान सलीका इसलिए नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं मंदिर पर प्रहार हो रहा है। हम ले चलेंगे मंदिर के पास और चलते ही देखते हैं कि मंदिर पर आखिर कैसे तोड़ा गया और क्या क्या वहाँ पर चबूतरा टूटा हुआ है। मूर्ति गायब है, यहाँ पर मूर्ति नहीं है और इसे इस मंदिर का नाम बालाजी मंदिर वट वृक्ष भी कहा जाता है। और रमेश मिश्र जी पंडित है, आप ही हैं रमेश मिश्र जी, यहाँ पर उपस्थित रात में यहाँ पर उपस्थित थे कि जब रात में? हाँ, मैं जो है रात में नहीं रहता हूँ, दिन में सुबह मेरा टाइमिंग यहाँ 8 बजे से लेकर शाम 9:30 बजे रहता है और सुबह से लेकर शाम तक जो है यहाँ के जनता जो है धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई है और अर्चना पूजा अर्चना चल रहा था। और ये हमारा जो है ये अभी वर्तमान ये घटना घटी थी तो कौन सा समय था आपके? ये लगभग एक आइडिया अंदाजा लगाया जा रहा था कि 2:30 बजे की का समय है रात में जो कि घटना होती है। और हाँ 2:30 बजे, हाँ 2:30 बजे। आपको शक किस पर है अभी वहाँ? मुझे मेरा सुनिए, मेरा पूरा शक जो है CL वर्मा पर है, क्योंकि मेरा ये केस कोर्ट में लगा, सिविल कोर्ट में लगा हुआ, मैं पैरोकार हूँ और मैं 4 को बादी बनाते हुए मैंने सारा मैटर ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ट्रस्ट है, समिति मैंने बनाया, समिति का रजिस्ट्रेशन कराया, सारा रिकॉर्ड हमारा कोर्ट में दाखिल है। कहीं ना कहीं CL वर्मा पर आपको आपका बिल्कुल 100%। मामला बढ़ता देख प्रशासन ने तत्काल जैसे जैसे हो सका जब लोगों को मनाया तो बैठक बुलाई गई और इस बैठक में इस विधानसभा क्षेत्र की विधायिका और राज्य मंत्री स्वाति सिंह के पिताजी भी उपस्थित थे। उन्होंने इस बैठक में हिस्सा लिया और जो जिनकी मांगे थी उनको बैठाकर CEO और SDM की उपस्थिति में यह बैठक का आयोजन किया गया और ये बैठक से ये निर्णय लिया गया कि मंदिर में CCTV फुटेज, CCTV कैमरा लगाया जाएगा और मंदिर की पुनः स्थापना की जाएगी, यानी मूर्ति रखा जाएगा और फिर ठीक से उसे बनाया जाएगा। इन सब बातों पर देखिए आधिकारिक रूप से CEO कैंट ने क्या बयान दिया। कि कुछ वरिष्ठ नागरिकों की मदद से इस समझौते पर ये लोग आए हैं कि जिस स्थिति में मंदिर पहले था उसे यथावत पहले की तरह बना दिया जाएगा, जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, FIR की कॉपी इनको दे दी गई है। साथ ही साथ इन लोगों का ये मांग थी कि किसी स्वतंत्र निष्पक्ष एजेंसी से इसकी जाँच कराई जाए, तो उसके लिए इनसे एक दरखास्त ले ली गई है, इसकी जाँच क्राइम ब्रांच या फिर STF से करा दी जाएगी। और जिस तरह से पुलिस वालों पर भी आरोप लग रहा है कि उनकी निलंबन किया जाए, उनकी चुस्तों की चुस्ती और चुस्ती उनके ठीक से दिखाई नहीं देगी। देखिए पुलिस तो देखिए कल रात भी गश्त में थी, मैंने खुद CCTV फुटेज देखा है, तो हमारी गाड़ी यहाँ से PCR, हमारे सेकंड मोबाइल, हमारे कांस्टेबल्स यहाँ से मूव करते हुए कैमरा में आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस गश्त नहीं करती है। जहाँ तक पहले की बात है तो वो विवेचना प्रचलित है, उसमें भी चार्जशीट लगाकर हम कोर्ट भेज देंगे, ये कोर्ट के
ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट इसमें क्या फैसला सुनाता है कि मंदिर बनेगा या यथावत रहेगा या जिसका मालिकाना हक है उसे दिया जाएगा। जहां तक अभी की एप्लीकेशन की बात है तो ये जो स्वतंत्र एजेंसी जांच करके जिसे दोषी पाएगी हम उसे जेल भेज देंगे। देखिए अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा, अगर वो पुलिस वाला कोई भी हो या मैं ही क्यों ना हूँ, अगर हम दोषी पाए जाएंगे तो बेशक कार्रवाई की जाएगी। इसके बारे में हमारे एसएसपी सर को बता दिया गया है।